मेरे दो दोस्तों की नई नई बुक चोरी होगी थी, उन्होंने तो भाई फाइनली बब्बर भैया मिल चुके हैं। एग्जाम चीटिंग ग्रुप बन रखा भाई साहब, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो गाइस अभी पूजा वूजा करवा के आ चुके थे हम लोग, और यार अभी क्या सीन है, मतलब यार बुलेट के ऊपर थोड़ा बहुत टैंक के ऊपर लैमिनेशन मेरे को करवानी है, एंड वो ग्रिल्स लगती है जो लाइट वाली, इंडिकेटर वाली, बैकलाइट वाली, वो सारी ग्रिल्स मेरे को लगवानी है। बाकी यार जो पंचरलेस सोल्यूशन होता है ट्यूब के लिए, क्योंकि यार अभी इसमें ट्यूब वाले टायर्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यार वो भी डलवा दूंगा। दो तीन काम और हैं तो यार वो फटाफट से करने जाना है, और मैं सोच रहा हूँ यार करोल बाग जाते हैं, करोल बाग से बढ़िया कोई मार्केट नहीं है। उसके बाद मेरे को चांदनी चौक जाना है, वहां से मेरे को एक मेमोरी कार्ड लेना है, तो यार मेमोरी कार्ड भी लेंगे वहां से। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं आप लोगों को। तो गाइस अभी हम लोग आ रखे थे यार करोल बाग, ठीक है, अपने झोटे पे काम करवाने के लिए। तो अभी इसमें क्या क्या चीजें करवानी है, यहाँ पे बेसिकली रैपिंग करवाएंगे हम लोग, तो क्या कहते हैं यार, हाँ लैमिनेशन करवानी है इसकी टंकी पे, यहाँ पे इसके मडगार्ड पे, यहाँ पे और पीछे तो होती है शायद, तो ये करवाते हैं फटाफट से। भी कह रहे हैं एक से डेढ़ घंटा लग जाएगा, तो एक से डेढ़ घंटा यहीं रुकना पड़ेगा हमें। तो भाई ये ग्राफिक वर्क भी करवाएंगे अपनी बाइक पे, तो यार मूसा वाले के बड़े फैन हैं, तो ये वाला मेरे को स्टिकर काफी पसंद है, तो यार ये वाला स्टिकर लगवाते हैं। सो गाइस दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फिल्मोरा एक्स। अब आप फिल्मोरा एक्स की मदद से अपने वीडियोस को काफी अच्छे एंड इजीली तरीके से एडिट कर सकते हो, एंड काफी सारे इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको की फ्रेमिंग के बारे में बताता हूँ, तो जैसे आप अपने वीडियो पे डबल टैप करोगे, यहाँ पे आपको प्रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप ये प्रीसेट्स भी लगा सकते हो अपने वीडियो पे, लेकिन अगर मैं बात करूँ की फ्रेमिंग आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो जैसे आप लोग कस्टमाइज पे जाओगे, यहाँ पे आप लोग फ्रेम्स ऐड कर सकते हो। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इफेक्ट्स का, एंड उसके बाद जैसे मैं वीडियो को थोड़ा आगे लेके गया, वहां पे मैंने एक और फ्रेम ऐड करा, तो यहां पे मेरा इफेक्ट एंड हो जाएगा। यहां पे मैंने जूम इफेक्ट अप्लाई करा है, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं अपने काफी सारे टाइम लैप्स में ये जूम वाला इफेक्ट भी ऐड करता हूं। तो गाइस आपको फिल्मोरा एक्स में काफी प्रोफेशनल फीचर भी देखने को मिल जाता है, दैट इज मोशन ट्रैकिंग। तो जैसे सेम वीडियो की एक और लेयर बना के यार मैंने इस पर डबल टैप करा, तो आपको यार ऊपर मोशन ट्रैकिंग का फीचर देखने को मिल जाता है, एंड इस फीचर की मदद से आप लोग यार अपना जो इतनी देर का काम होने वाला हो आप लोग मिनटों में कर सकते हैं। तो आप लोगों को फिल्मोरा एक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसे मैक के लिए एंड विंडोज के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली चेकआउट जरूर करना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई अपना सारा काम हो चुका है, एंड यार ये मूसे वाला स्टिकर, ओहे क्या बढ़िया लग रहा है। तो यार सारा काम भैया से करवाया मैंने, तो काफी बढ़िया काम था यार। वैसे अगर कोई आता है तो यहाँ पे जरूर आ सकता है, यश कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो भाई सभी यार हम लोग बुलेट पे थोड़ा काम करवाने आ रखे थे, ठीक है, तो ग्रिल्स लगवानी है हमें बेसिकली, जो लाइट की ग्रिल्स रहती है, तो अभी अंकल जी से हम लोग लगवा रहे हैं वो सारा चीजें। बाकी यार ये डिस्क लॉक काफी ज्यादा जरूरी है, मेरे दो दोस्तों की नई नई बुलेट चोरी हो गई थी, मतलब उन्होंने डिस्क लॉक वगैरह नहीं लगा रखा था, चोरी हो गई थी, तो फिर ये भी लेंगे यहाँ से। चलो मिलते हैं फिर आगे, एक बार पूरे लग गया तो बुलेट पे कम मजा आए। One hour later. तो भाई काम फाइनल हो चुका है, एक ग्रिल्स लगवाई है, एक है सीट कवर और एक है लॉक, ठीक है। तो चलते हैं, अभी हेलमेट लेना रह गया, बस हेलमेट लेते हैं उसके बाद निकलेंगे। चलो फिर आगे
तो गाइस अभी हम लोग आ रहे हैं यार चोपड़ा हेलमेट पे। ठीक है तो यार किसी ने रेकमेंड करा था छोटे हेलमेट छोड़ते हैं यहाँ पे, देखो मैं दिखाते हैं यार आप लोगों को क्या है सारा। एक से कोई अच्छा सा हेलमेट लेंगे और ट्राई करूंगा ब्लैक कलर का ही हेलमेट लूं। देखो One hour later. तो यार मेरा सर कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो यार कोई हेलमेट आया नहीं, नाइस स्टड्स का नाइस स्टील बर्ड का, तो फाइनली यार ये सिमके का हेलमेट क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड ये ग्लव्स भी लिया मैंने और एक ये। ठीक है तो सारी चीजें दिखाता हूँ आपको। One week later. तो भाई क्या हाल चाल है। तो यार वो बात है जो आपने अभी वीडियो देखी एक वीक पहले की, तब मैं करवाने गया हुआ था अपना जो सारा काम वाम था बुलेट का वो। ठीक है और आज है छोटी होली, मतलब डेट क्या है आज, हाँ 28, आज है 28 ऑफ मार्च। तो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ यार बब्बर भैया का गोप्रो वापस करने के लिए। ठीक है तो मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा। और यार ये जो मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ फ़ोन से। ठीक है मैंने अपना फ़ोन माउंट कर रखा है, अभी मेरे को कुछ नहीं पता यार, मतलब मैंने भाई को बोल दिया था एक बार फील्ड ऑफ व्यू सेट कर दे तो उसने कर दिया था, लेकिन अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कैसे जाने वाली हैं सारी चीज़ें। तो ये है अपनी कुछ बुलेट, नीचे आप देख सकते हो लास्ट टाइम मैंने इसकी टंकी फुल करवाई थी। तो भाई डीटीसी के पीछे जो गर्मी है वो अलग ही लेवल की होती है यार। एक और चीज़, दो टास्क है बेसिकली आज के, सबसे पहले बब्बर भी हो गोप्रो वापस करना, उसके बाद यार अपने स्कूल वाले दोस्तों से मिलने में जाऊँगा। ठीक है अभी स्कूल वाले दोस्तों से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया था, चलते हैं फिर। तो भाई टोटल पेट्रोल आया है 787 का 8.68 लीटर। तो भाई बस अभी मैं फ़ोन निकालने वाला हूँ, बिकॉज क्यों निकालने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरे को बब्बर भैया के घर का रास्ता नहीं पता। ठीक है एक फुल प्रूफ रास्ता नहीं पता तो इसीलिए निकालना पड़ेगा। चलो अभी आगे रुक के निकालते हैं फ़ोन। तो भाई फाइनली बब्बर भैया मिल चुके हैं काफ़ी देर बाद। तो भाई बड़ी मशक्कत के बाद बब्बर भैया घर पहुंचे हैं। ठीक है अभी यार आज क्या सीन था, मतलब दोस्तों के साथ मिलना था तो अभी जस्ट फटाफट से चलते हैं, दोस्तों वोस्तों से मिलेंगे। बाकी यार बब्बर भैया का स्टूडियो वगैरह किसी और दिन देखेंगे तो अभी फटाफट निकलता हूँ मैं भी। ठीक है ओके भैया, ठीक है भैया बैठ के जाना इस बार, बाय बाय हो गए जल्दी जल्दी। चलो ठीक है भैया, ओके भैया बाय। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।